हेलो कॉमिक लवर्स, आप लोगों को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एवी कॉमिक्स में। तो कैप्टन रिवान के पिछले एपिसोड में आपने देखा, आज मैं आपको अपने दिल की बात बता के रहूँगा। तुम्हें जो आज मैंने ताकत दी है, अब यही तुम्हारे लिए सब कुछ है। और इतना कहते दिव्यराज रुद्र के सामने दम तोड़ देता है और रुद्र आ जाता है एरनहाइम से पृथ्वी में, वो भी रीवा जिले में। अगर हमने कुछ नहीं किया तो रुद्र पूरे रीवा वासियों को मार डालेगा। अब हमारी बंदूकों से ये नहीं बचेगा, साले को अभी खत्म कर देते हैं। लेकिन तभी वंश वहां आ जाता है और रुद्र के चेहरे पर जोर से पंच मारता है, जिससे रुद्र दीवार से जा टकराता है। और अब आगे रुद्र पर हमला करने के बाद वंश उन दो पुलिस वालों से कहता है, क्या आप दोनों ठीक हैं? देखिए डरिए मत, मैं यहाँ आप सबकी मदद के लिए आया हूँ। जिस पर रीवा का टाउन इंस्पेक्टर कहता है, अब तुम कौन हो? और वंश जवाब देते हुए कहता है, एक दोस्त। दूसरी तरफ हम देखते हैं रुद्र को, जो वंश को बहुत ही ज्यादा गुस्से से देख रहा होता है और अपने आप से कहता है, पता नहीं तुम उस जगह से वापिस कैसे आए राजकुमार वंश, लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं तुम्हें ऐसी भयानक मौत दूंगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। और उधर वंश उन दो पुलिस वालों से कहता है, आप दोनों यहाँ से किसी सुरक्षित जगह में चले जाइए जल्दी। और इतना कहते ही वंश रुद्र की तरफ आगे बढ़ता है और उधर से रुद्र भी वंश की तरफ तेजी से दौड़ता हुआ आता है। और दोनों जैसे ही एक दूसरे के करीब पहुँचते हैं, रुद्र वंश को जोर से एक मुक्का मारता है, जिससे वंश थोड़ी दूर जाकर गिरता है। फिर रुद्र छलांग मारकर वंश के पास जाता है और उसका गला पकड़कर उसे एक दीवार में दे मारता है। फिर रुद्र वंश से कहता है, तुम अपने आप को एनहाइम का सबसे चहेता और आदर्श राजकुमार समझते होगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम सिर्फ अच्छा बनने का ढोंग करते हो। तुम्हें पता है मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा सिर्फ दो लोगों से प्यार करता था, एक अपने बाबा से, दूसरा राजकुमारी अमायरा से। तुम सब की वजह से आज मैंने अपने बाबा को खो दिया है। और रही बात राजकुमारी अमायरा की, तो उन्हें मैं हासिल करके रहूंगा, लेकिन इससे पहले तुम्हारा मरना बहुत जरूरी है। तुम्हें खत्म करने के बाद फिर मैं तुम्हारे पिता को और तीनों किंग्स को एक एक करके मार डालूंगा। और रुद्र के इतना कहते ही वंश रुद्र का सर पकड़कर जमीन में दे मारता है और उससे कहता है, बस बहुत हुआ रुद्र, तुम मेरे साथ एरनहाइम चलोगे अभी। और अगले ही पल रुद्र गोरिल्ला मॉन्स्टर से व्हाइट टाइगर मॉन्स्टर में बदल जाता है और रुद्र अपने पंजों से वंश पर लगातार हमला करता है, जिससे वंश घुटनों के बल बैठ जाता है। इससे पहले वंश उठ पाता, रुद्र एक कार उठाकर वंश के ऊपर पटक देता है, लेकिन वंश को कुछ खास असर नहीं होता। और अगले ही पल वंश सुपरसोनिक स्पीड के साथ ऊपर आसमान में उड़ जाता है और वंश ऊपर उड़ता ही जाता है। और वह तब तक नहीं रुकता जब तक वह अंतरिक्ष में नहीं आ गया। और अंतरिक्ष में आ जाने के बाद वंश पृथ्वी की ओर देखता है और अपने आप से कहता है, बस अब और नहीं रुद्र, तुम्हें हार मानना ही होगा और मैं तुम्हें अपने साथ एरनहाइम लेकर ही जाऊंगा। और इतना कहते ही वंश सुपरसोनिक स्पीड के साथ पृथ्वी की ओर आगे बढ़ने लगता है और वंश रुद्र को टारगेट बनाकर उसको एक टक्कर मारने जाता है। और वंश को तेजी से अपनी ओर आते देखकर रुद्र कहता है, आ जाओ, मैं तुमसे नहीं डरता वंश। और देखते ही देखते रुद्र और वंश के बीच जोरदार टक्कर होती है।
फिर हम देखते हैं कि दोनों बहुत बुरी हालत में जमीन पर पड़े रहते हैं। फिर रुद्र धीरे धीरे उठने की कोशिश करता है और रुद्र वंश के करीब जाकर उसे ऊपर उठा लेता है और वंश की कमर को अपने एक घुटने में दे मारता है, जिससे वंश को बहुत ज्यादा दर्द होता है। फिर रुद्र वंश की तरफ देखकर स्माइल करता है और उससे कहता है, अच्छा तो तुम्हें भी दर्द का एहसास होता है राजकुमार वंश, लेकिन कोई बात नहीं, अभी तुम्हारा दर्द मैं दूर कर देता हूँ हमेशा के लिए एक दर्दनाक मौत देकर। और इतना कहते ही रुद्र वंश का गला पकड़ लेता है और अपने नुकीले पंजे से वंश के चेहरे पर हमला करने जाता है। और थोड़ी दूर पर हम देखते हैं उन दो पुलिस वालों को जो यह सब देख रहे थे, जिसपे कांस्टेबल रीवा के टीआई से कहता है, सर क्या वो राक्षस उस उड़ने वाले आदमी को मार डालेगा? जिसपे रीवा का टीआई कहता है, हाँ लगता तो ऐसा ही है, लेकिन वो जो कोई भी है वो हमारी मदद कर रहा है उस राक्षस को रोकने में, और मैं उस राक्षस को उसे आसानी से नहीं मारने दूंगा। जिसपे कांस्टेबल कहता है, सर आप करने क्या वाले हैं? और रीवा का टीआई जवाब में कहता है, बस तुम देखते जाओ। और इतना कहते ही वह रुद्र पर अपनी पिस्टल से फायर करता है, जिससे रुद्र का ध्यान वंश से हटकर उन दो पुलिस वालों पर पड़ता है और रुद्र उन दोनों की तरफ दौड़ते हुए आता है और एक छलांग मारते हुए उन दोनों पर हमला करने जाता है। लेकिन तभी पीछे से वंश रुद्र की पूंछ पकड़ लेता है और उसे ऊपर आसमान में फेंक देता है। इससे पहले रुद्र आसमान से नीचे गिरता, वंश तुरंत रुद्र के पास जाता है और अपने दोनों हाथ से रुद्र को एक जोरदार पंच मारता है, जिससे रुद्र नीचे जमीन में जाकर गिरता है और एक बड़ा सा गड्ढा बन जाता है और उस गड्ढे से धूल उठने लगती है और रुद्र को देखने के लिए वंश भी नीचे आता है, लेकिन धूल के कारण वंश को रुद्र नजर नहीं आ रहा था। और तभी धूल के बीच में से एक हाई इंटेंसिटी वाली एनर्जी बीम वंश पर पड़ती है और यह एनर्जी बीम रुद्र अपने एक हाथ से वंश पर छोड़ रहा था, जो अब बर्ड मॉन्स्टर में बदल चुका था। और एनर्जी बीम को छोड़ते हुए रुद्र वंश से कहता है, लोग बघेल गोरो और किंग लुकोवा मेरी इस ताकतवर ऊर्जा किरण को नहीं झेल पाए थे, अब देखते हैं तुम इसे कब तक सह सकते हो। और यह सब नजारा वे दो पुलिस वाले देख रहे थे, जिसपे कांस्टेबल रीवा के टीआई से कहता है, सर ये क्या, उस राक्षस ने तो अपना रूप फिर से बदल लिया, ये उसका तीसरा रूप है, वो उड़ने वाला आदमी उस राक्षस को कभी नहीं हरा सकता, अब हम क्या करें सर, हमारी आखिरी उम्मीद वही है, अगर उसने हार मान ली तो हमारे रीवा शहर का क्या होगा। जिसपे रीवा का टीआई कहता है, हाँ तुमने सही कहा, अगर उसने हार मान ली तो फिर हमारे शहर को कोई नहीं बचा सकता, बस अब उसके लिए सिर्फ दुआ मांगते रहो। इधर वंश रुद्र की एनर्जी बीम का सामना कर रहा था और वंश अपनी पूरी ताकत लगाकर रुद्र की तरफ आगे बढ़ रहा था, जिसे देखकर रुद्र थोड़ा डर जाता है और कहता है, नहीं कोई भी इतना ताकतवर नहीं हो सकता, कोई भी नहीं। और इतना कहते रुद्र भी अपनी पूरी ताकत से वंश पर एनर्जी बीम से हमला कर देता है, जिससे वंश नहीं बच पाता और वंश वहीं पर बेहोश हो जाता है। फिर रुद्र वंश को बेहोशी हालत में भी उसका गला पकड़ लेता है और उसको ऊपर उठाकर उससे बोलता है, तुम अपने आप को बहुत ताकतवर समझते थे राजकुमार वंश, लेकिन तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर नहीं हो और ना ही कभी बन सकते हो। एक वक्त था जब मैं मामूली सा एक कमजोर सा इंसान था, लेकिन आज देखो मैं तुम्हें खत्म करने की औकात रखता हूँ। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा भी दिन आएगा, मेरे बाबा तो मुझे छोड़कर चले गए, लेकिन जाते जाते मुझे ये ताकत देकर गए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया बाबा। अब आप देखिएगा कि मैं आपके सारे दुश्मनों को कैसे खत्म करता हूँ, और शुरुआत मैं राजकुमार वंश से करने जा रहा हूँ। इससे आपकी आत्मा को पूरी शांति तो नहीं मिलेगी, लेकिन थोड़ा सुकून तो जरूर मिलेगा। और रुद्र के इतना कहते ही वंश अपनी आंखों को अचानक खोल लेता है और बिना कोई देरी करे वंश मास्टर सेन का दिया हुआ नेकलेस रुद्र के गले में फिट कर देता है, जिससे रुद्र जोर से चीखता है और वंश से कहता है, नहीं क्या किया है तुमने मेरे साथ, बताओ ये मुझे हो क्या रहा है,
मेरी आंखें इतनी भारी क्यों हो रही हैं? और देखते ही देखते रुद्र अपने इंसानी रूप में आ जाता है, जिसे देखकर वंश कहता है, शुक्रिया मास्टर सेन, आपके बिना मैं रुद्र को कभी नहीं रोक पाता। फिर वह नीचे जमीन में गिर जाता है और वह गहरी नींद में चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं उन दो पुलिस वालों को जो वंश और रुद्र की तरफ भाग कर जाते हैं। फिर रीवा का टीआई रुद्र की तरफ अपनी गन पॉइंट करके कहता है, क्या ये मर गया? अगर ये नहीं मरा है तो अब मैं इसे मार डालूंगा। जिस पे वंश कहता है, ऐसा करने की कोशिश भी मत करना, ये मेरा दोस्त है। और रीवा कटियाई हैरान होकर वंश से कहता है, क्या ये राक्षस तुम्हारा दोस्त है? पर ये तो तुम्हें लगभग मारने ही वाला था और मैंने कभी भी नहीं सोचा था ये दरिंदा एक मामूली इंसान है। चलो अच्छा है, अब ये हमारी हिरासत में है। जिसपे वंश कहता है, नहीं बिल्कुल नहीं, मैं इसे अपने साथ अपने घर ले जाऊंगा इर्नहाइम में। और रीवा कटियाई वंश से कहता है, क्या कहा तुमने, कहाँ ले जाओगे इसे? जिसपे वंश कहता है, अपने घर इर्नहाइम में। फिर रीवा कटियाई कहता है, इर्नहाइम में अब ये कौन सा देश है? देखो तुम इसे नहीं ले जा सकते, इस दरिंदे को हम अपनी सरकार को सौंपेंगे, फिर इसके साथ वही होगा जो हमारी भारत सरकार चाहेगी। और भारत सरकार ही क्यों, ये दरिंदा तो पूरी दुनिया भर की सरकार के लिए खतरा है। लेकिन ये सब मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूँ, अब मेरे रास्ते से हट जाओ। फिर वंश रीवा के टीआई से कहता है, देखो तुम समझने की कोशिश करो, तुम लोग रुद्र को नहीं कैद कर सकते। जिसपे रीवा के टीआई गुस्सा होकर वंश से कहता है, मैं समझने की कोशिश करूं, तुम क्यों नहीं समझने की कोशिश करते? देखो अपने आसपास इन मासूमों की लाशों को, इनका क्या कसूर था? इनका बस यही कसूर था कि सब लोग रोज की तरह अपनी अपनी जिंदगी जी रहे थे, लेकिन तुम्हारे इस दरिंदे दोस्त ने इन सबको बेरहमी से मार डाला। तुम इसे लेकर चले जाओगे तो इन मरे हुए लोगों को इंसाफ कौन देगा, इनके परिवारों को इंसाफ कौन देगा? और वंश उन मरे हुए लोगों की लाश को देखकर सहम सा जाता है। फिर वंश बोलता है, मैं मरे हुए लोगों को तो वापस नहीं ला सकता, लेकिन मैं रुद्र को तुम लोगों के हवाले भी नहीं कर सकता। इतना कहते ही वंश रुद्र को उठा लेता है, जिसपे रीवा का टीआई वंश से कहता है, देखो तुम इसे नहीं लेकर जा सकते, सुना तुमने, अगर तुम इसे अपने साथ ले गए तो तुम भी उतने ही गुनाहगार कहलाओगे जितना तुम्हारा ये दरिंदा दोस्त है। फिर वंश बिना कुछ बोले रुद्र को लेकर वहाँ से उड़ जाता है और रुद्र को इर्नहाइम ले आता है। और इर्नहाइम में आने के बाद वंश रुद्र को तीनों किंग्स के हवाले कर देता है और तीनों किंग्स ने मिलकर ये फैसला लिया कि रुद्र को अब हमेशा हमेशा के लिए कैद कर दिया जाए। और किंग लुकोवा ने रुद्र को हमेशा के लिए कैद कर दिया। रुद्र के गले में जब तक मास्टर सेन का नेकलेस है तब तक रुद्र गहरी नींद में रहेगा। और इसी बात का फायदा उठाकर किंग लुकोवा ने रुद्र को एक ताकतवर फोर्स फील्ड के अंदर कैद कर दिया। दूसरी तरफ वंश अपने आप से यह सवाल बार बार पूछता कि जो उसने किया वो सही किया, क्या उसने रुद्र को इर्नहाइम वापस लाकर ठीक किया। बस इसी बात को लेकर वंश चिंता में रहने लगा और वह रीवा के टीआई की बातों पर गौर करने लगा और वो यह सोचता था कि उसने ये ठीक नहीं किया। वो बिना इंसाफ किए वो रीवा शहर से चला आया। वंश को रात में सोते समय उसे भयानक सपने आते थे और उसे अपने सपनों में हमेशा रीवा शहर के मरे हुए लोगों की लाश दिखाई देती थी। वंश को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो रुद्र के गुनाहों का प्रायश्चित कैसे करे। फिर एक दिन वंश ने फैसला लिया कि वो अब से रीवा शहर में ही रहेगा ताकि वो जान सके कि रीवा वासियों के मन में रुद्र के लिए कितनी नफरत है। और इसी नफरत को वंश दूर करना चाहता था, क्योंकि अगर रीवा वासियों के साथ साथ पूरी दुनिया को पता चल गया कि रुद्र इर्नहाइम में कैद है तो शायद इर्नहाइम का वजूद खतरे में आ सकता है। और वंश कभी नहीं चाहता था कि दुनिया भर की सरकार एकजुट हो जाए और रुद्र के साथ साथ इर्नहाइम जैसी जगह का पता लगाकर उसे मिटा दे। वंश कभी नहीं चाहता था कि पृथ्वी के लोगों को रेडिनाइट के बारे में पता चले, इसलिए वंश रीवा शहर में रहकर अपनी सुपर पावर्स के जरिए रीवा वासियों के दिलों में अपनी जगह बनाना चाहता था ताकि रीवा के लोग रुद्र के गुनाहों को भूल जाएं। और वंश जैसा चाहता था वैसा ही हुआ। 2 साल बीत जाने के बाद रीवा के लोग वंश की ताकत और बहादुरी के दीवाने हो गए। वहीं दूसरी ओर सरकार वंश को अपने लिए खतरा मानती थी, लेकिन आधे से ज्यादा रीवा की पब्लिक वंश को पसंद करती थी और रीवा के लोगों ने वंश को एक नया नाम दिया, कैप्टन रीवान। तो दोस्तों ये थी कैप्टन रीवान की कंप्लीट स्टोरी।
आपने देखा कि किस तरह से वंश रीवा शहर का पहला सुपर हीरो बना। इस कॉमिक सीरीज में हमने कैप्टन रेवान की कहानी के साथ साथ लोग, बघेल, गोरो, अमायरा, रुद्र, महाराज विश्वजीत और तीनों किंग्स के बारे में भी जाना और इन सब की खासियत और इनकी सुपर पावर्स के बारे में भी अच्छे से जान लिया है। तो जब कभी हम किसी नए सुपर हीरोज की कॉमिक सीरीज लाएंगे तो कैप्टन रेवान की कॉमिक सीरीज उससे इंटरलिंक्ड रहेगी। उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों ने कैप्टन रेवान की कॉमिक सीरीज को एंजॉय किया होगा और आप लोगों ने इस कॉमिक सीरीज को पसंद भी किया होगा। शुरुआत में आप लोगों को भले ही एवी कॉमिक्स के कैरेक्टर्स ना पसंद आए हों, लेकिन धीरे धीरे हम आप लोगों के दिलों में जगह बना ही लेंगे। जिस तरह आप सब मार्वल और डीसी कॉमिक्स के फैन हैं, ठीक उसी तरह आप सब एवी कॉमिक्स के भी एक दिन फैन होंगे। और इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, एक नए सुपर हीरो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय कॉमिक लवर्स।